हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे अपने कुछ पिटूनिया के प्लांट शेयर करूंगी कि मेरे पास कौन कौन से कलर के प्लांट्स हैं। और तो ये देखिए, ये एक स्टार पिटूनिया है जो कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट कर चुका है और बहुत ही प्यारा सा कलर है। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे पास पिछले साल भी कई प्लांट थे इसके स्टार पिटूनिया, यही रेड कलर में, रेड पिंक और पर्पल कलर के थे। लगभग 6-7 प्लांट मैंने पिछले साल भी लगाए थे। और जो मैंने अपने घर में ग्रो किए हैं उनके सीड भी स्टार पिटूनिया के ही थे, ऐसे ही सेम। तो देखिए, उनमें से ऐसे फ्लावर निकल कर आए हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो इनका कलर थोड़ा सा अभी पीच कलर के फ्लावर आ रहे हैं, कुछ रेड हैं, कुछ पीच कलर के हैं। ये देखिए, जैसे इसमें बहुत प्यारे से कलर हैं। वाइट का कॉम्बिनेशन तो नहीं दिख रहा है लेकिन फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये वाले सारे ऐसे कलर आ रहे हैं इनमें। और प्लांट की ग्रोथ देखिए आप, कितने अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं, काफ़ी अच्छे, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें देखिए, एक वाइट और रेड का भी शेड है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और एक प्लांट मेरा ये है, इसके फ्लावर का तो शेप भी थोड़ा अलग सा हो गया है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये मेरे पिटूनिया के कलर्स हैं जो कि ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर हैं, आप देख सकते हैं। और कितने ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स हैं, मुझे इनके पत्तियों को देखकर ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पत्तियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं इनकी। तो मेरे पास ये सारे रेड कलर के प्लांट्स हो गए। और जो और मेरे प्लांट्स हैं उनको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये एक पर्पल कलर है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर एकदम, और बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है एकदम। और इतने बड़े बड़े से फ्लावर हैं कि देखकर ही मन खुश हो जाता है इनको देखकर है। और ये देखिए, ये मेरे जो सीड से ग्रो हुए पिटूनिया सारे, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। एक ही प्लांट है ये, और इसने देखिए कितना ज़्यादा फैल गया और कितनी ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग, यहाँ तक पूरी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए पूरा प्लांट मेरा, यहाँ से लेकर के पूरा ये एरिया इसने पूरा कवर कर लिया है, काफ़ी अच्छा। ये देखिए, यहाँ तक इसके फ्लावर हैं, ये पूरा जो पर्पल कलर है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ब्रांच फैल गई है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये भी। और एक कलर मेरा ये पिंक कलर में, पिंक पर्पलिश सा कलर है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये भी बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला है, फिर भी मेरा मन किया कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। और एक प्लांट मेरा ये वही वाला है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये देखिए ये भी वही कलर है और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर आ रहे हैं इनमें भी, काफ़ी अच्छे। आज मैंने बहुत सारे इनके सूखे हुए फूल हटाए हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे कलेक्शन हो गए हैं पिटूनिया के। फिर भी मैं चाह रही थी कि और एक दो प्लांट मैं थोड़ा दूसरी वेराइटी के लाऊं। और एक देखिए, ये भी मेरा सीड से ग्रो हुआ पिटूनिया है, तो इसका कलर भी पर्पल ही आया हुआ है, पता नहीं क्यों, जबकि इसके सीड्स शायद पिंक कलर के थे। पर ये देखिए, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर ली है इसने। और प्लांट देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, और पत्तियाँ इसकी एकदम ग्रीन है, बिल्कुल लेस ग्रीन, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह से मेरे पास इतने पिटूनिया के कलेक्शन हैं, बाकी मेरे और सारे प्लांट्स हैं तो जो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखकर। देखिए, और ये तो मैंने आपको दिखाया अपना स्टार पिटूनिया भी, बाकी मैंने अपने थर्ड फ्लोर पर रखे हुए हैं जो मेरे और सीड से ग्रो हुए पिटूनिया हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखिए, जो मेरे थर्ड फ्लोर पर है उनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है क्रिसेंथेमम की, और इनमें अभी बस कलियाँ आने वाली हैं और ढेरे कलियाँ आ रही हैं, बहुत सारी कलियाँ। ये देखिए, बिल्कुल पूरा प्लांट मेरे कलियों से भर जाएंगे। मुझे इनको थोड़ी सी स्पेस देनी होगी कि ताकि इनमें हवा लग सके, क्योंकि बिल्कुल बंद बंद से हो गए हैं। और मैं थोड़ा सा इनको एक आध प्लांट यहाँ से हटाऊंगी ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल सके इनको और अच्छे से। बस फ्रेंड्स, बाय।